शुक्रवार को गोरखपुर आए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताते हुए कहा कि उनका और स्वर्गीय वाजपेयी का परिचय 56 साल पुराना था। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी 3 बार विषम कठिनाइयों को पार करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान वह मंत्री का कार्यभार देख रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा ऊंचा और उनके विचार समुद्र जैसे गहरे थे। दोनों के समन्वयन कर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। राज्यपाल राम नाईक ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में दो शब्दों में कुछ कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरा और उनका परिचय 56 साल पुराना था और मैंने उनको अलग अलग ढंग से देखा है। एक तो 1957 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था, जनसंघ के वो संस्थापक थे, और 1957 का चुनाव आया था, उस समय पर भारतीय जनसंघ एक बहुत छोटी पार्टी थी और इस पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा नेता हो गया है तो क्या होगा इस पार्टी का आगे, इस प्रकार का एक विचार समाज में चल रहा था। उस समय पर जनसंघ को लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल था। ऐसे में जनसंघ का विचार लोगों के पास जाना चाहिए, इस भूमिका में अटल जी ने उत्तर प्रदेश में 3 स्थानों पर चुनाव लड़ा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। एक चुनाव उन्होंने मथुरा से लड़ा और मथुरा के चुनाव में उनको 10% वोट मिला, वो चौथे क्रमांक पर गए और उनका जमानत है वो जब्त हो गया। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा था लखनऊ से, लखनऊ में उनको वोट मिले 33%, और वो दूसरे क्रमांक पर आए, वहाँ भी वो हार गए। और तीसरा बलरामपुर में 52% वोट उन्होंने पाए और वो जीत गए। और ऐसे में सारे पार्टी को आगे ले जाना और पार्टी को ले जाने के बाद एक दृष्टि से उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उनके बारे में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जवान है वो एक समय प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो कठिनाइयाँ कई आई, ये कठिनाइयों को पार करते करते पार्टी का नेतृत्व देते देते वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें से एक समय तो एक वोट से लोकसभा में हार गए थे। उन दिनों में पहले ही उसके नरसिंह राव की सरकार पर की भी परीक्षा हुई थी तो उन्होंने कैसे वैसे सांसद मैनेज किए थे। लेकिन वाजपेयी जी ने तो ये कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, हार जाते हैं तो फिर लोगों के पास जाऊँगा, और एक वोट से वो सरकार गिर गई। मैं उस सरकार में उनके साथ मंत्री भी था, कई रूप में मैंने उनको देखा, और लोगों के पास जाकर फिर पूर्ण बहुमत से 23 पार्टी को साथ में लेकर सरकार चलाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ऐसा मुश्किल काम यही अटल बिहारी वाजपेयी करते रहे। और ऐसे नेता को देश की उनका व्यक्तित्व में बिल्कुल 2 शब्दों में कहना है तो ये कहूँगा कि उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसे ऊंचा था और उनके विचार जो थे वो समुद्र के जैसे गहरे थे। दोनों का उन्होंने समन्वय करके हिंदुस्तान का नाम सारे दुनिया में प्रखरता से ऊपर ले गए। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम।